हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन योर पेंटिंग क्लासेस दिस इज़ मी साक्षी कश्यप एंड यू आर वाचिंग आर्ट विद साक्षी आवर टूडेज टॉपिक इज मेकूथ अ पेंटिंग ऑफ बंगाली स्कूल सीरीज इन आवर प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट एम ए आर चकुताई एंड हिस्स आर्ट वर्क राधिका ओके मेकतूत पेंटर राम गोपाल विजयवर्गी मीडियम है वाटर कलर की से बनी है पेंटिंग पेपर पर नाइनटीन फोर्टी ए में मॉडर्न पीरियड की पेंटिंग है टेक्निक टेम्परा एंड वॉश टेक्निक से ये पेंटिंग बनी कलेक्शन आर्टिस्ट पर्सनल कलेक्शन टेम्परा एंड वॉश टेक्निक क्या होती है ये आप सबको पता है हम हर वीडियो में वॉश टेक्निक को बता रहे हैं एंड आई होप कि अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिस जो वॉश टेक्निक को नहीं जानता होगा कि क्या होती है ठीक है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम इसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डिस्क्रिप्शन लर्न नहीं करना उससे पहले आपको रीड करने से पहले ये खुद पेंटिंग देखिए और इसको एनालाइज़ कीजिए ब्लू कलर का बैकग्राउंड है पेंटिंग में ये क्लाउड्स बने हैं क्लाउड्स के ऊपर एक कपल बैठा है ठीक है उसका ड्रेस देखिए उसका पोस्चर देखिए ये सब और अपने वर्ड्स में इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए ठीक है ये जो पेंटिंग है मेघदूत सीरीज़ की है जो कालिदास की है मेघदूत कालिदास ने लिखी थी और इस पर पेंटिंग्स बनाई रामगोपाल विजयवर्की ने बहुत सारी तो मेघदूत सीरीज की एक पेंटिंग है ये जिसका नेम भी क्या है इस पेंटिंग का नेम भी उन्होंने क्या, क्या रखा मेघदूत ठीक है पेंटेड बाय राम गोपाल विजयवर्की इन नाइनटीन फोर्टी दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ मेघदूत सीरीज विद द एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर्स द पेंटिंग हैज बीन डेलीनेटेड इन आर्टिस्टिक स्टाइल राइडिंग एंड फ्लाइंग ऑन वाइट काउंट कॉटनी क्लाउड्स हैव बीन शोन राम गोपाल विजयवर्गी ने नाइनटीन फोर्टी एटी में ये पेंटिंग बनाई थी मेक दू सीरीज की पेंटिंग है इसमें क्या है कॉर्डिनेशन एक्सेलेंट कॉर्डिनेशन देखा गया है कलर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एकदम से है ना पेंटिंग खूबसूरत देखने में कॉमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको पेंटिंग कैसी लगी पर्सनली पर्सनली मेरी को ये पेंटिंग बहुत पसंद है कलर कॉम्बिनेशन और जो लाइन्स हैं जो क्रिएटिविटी है ये बहुत स्पेशल करती है इस पेंटिंग को दिस पेंटिंग हैज बीन राइडिंग और फ्लाइंग वाइट कॉटनी क्लाउड्स हैव बीन शोन इस पेंटिंग में क्या है जो कपल है ये बैठा है राइड कर रहा है कॉटनी जो क्लाउड्स हैं क्लाउड्स उन्होंने वॉश टेक्निक में बनी है तो सॉफ्टनेस आई है कलर्स में वाइट कलर के क्लाउड्स हैं और जो देखने में भी बहुत सॉफ्टनेस फील हो रही है पीस मिल रहा है आंखों को तो इस तरीके के क्लाउड्स बने हैं इसमें जिसपे कपल बैठा है ठीक है विद स्पेशल रिदिमिटी इन ब्लू स्काई यक्षा एंड यक्षिणी हैव बीन शोन विथ रियल कलर स्कीम यक्षास करली हेयर इयरिंग्स मेड ऑफ पर्ल्स ए पर्ल नेकलेस ऑन द थ्रॉट बॉडी स्ट्रक्चर स्माइल ऑन फेस फीलिंग ऑफ टेंडरनेस इन हैंड्स एंड फिंगर्स टेकिंग अ लोटस फ्लावर इन हिज राइट हैंड ठीक है यक्ष का जो पोस्चर है ये जो कपल है इसको बोला गया है यक्ष और यक्षिणी यक्ष क्या होते हैं जो देवदूत होते हैं ना एंजल एंजल जो होती हैं वो उनको यक्षिणी बोला गया और जो देवदूत होते हैं उसको क्या बोला गया आपको यक्ष तो उसका है और यक्ष का कैसे हैं इयर पहने हुए हैं ईयर कैसे हैं वाइट कलर है? के हैं यानी कि पर्ल में हैं पर्ल ईयर रिंग्स पहनी है नेकलेस पहना है इन्होंने ठीक है और जो इनके फिंगर्स है हैंड है इसका रिदमिक लाइन है रिदमिक मतलब सॉफ्टनेस है और लय है जो फिंगर्स हैं उनकी इस तरीके से ना बहुत देखिए कितना लचक है फिंगर्स में इस तरीके की फिंगर्स हैं और एक लोटस इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत एक्सीलेंट तरीके से बनाया हुआ है मतलब परफेक्ट इस इतनी खूबसूरती उससे ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग नहीं हो सकती जितनी उन्होंने कोशिश की है इसको बनाने की फेस एक्सप्रेशन कैसे है? स्माइल है फेस पर हल्की सी ठीक है और येलो कलर का इन्होंने क्या पहना हुआ है ड्रेस पहनी हुई है यक्षिणी ने। फीलिंग्स, ऑल दीज द माइंड ऑफ व्यूअर इतनी सारी जो स्पेशलिटी हैं पेंटिंग्स में वो अट्रैक्ट करती हैं जो व्यूअर है उसका माइंड मतलब अपनी तरफ एकदम से ये पेंटिंग सबको अट्रैक्ट करती है यक्षनी बिहाइंड यक्षाई इज सिटी स्ट्रिकिंग बाय हिज बैक एंड हर राइट हैंड हैज़ बीन शोन पुटिंग ऑन यक्षा चेस्ट इन हैज़ इन सच ए वे एज इफ टू लवर्स आर एम जो यक्षिणी है उनका पोस्चर कैसा है वो बैठी हैं यक्ष के पीछे उनका जो राइट right हैंड है वो उनके चेस्ट पर है ठीक है और जो फेस एक्सप्रेशन हैं वो फुल ऑफ लव है मतलब लग रहा है कि हाँ एक कपल बैठा है और वो फेस एक्सप्रेशन मतलब थोड़ी शर्माने वाली हैं यक्षिणी के यक्षनीज हेयर हैव बीन शोन टाइड विद द वाइट फ्लावर पैलेट यक्षिणी के जो हेयर हैं एंजल जो है ये ये बंधे भी हैं ओपन हेयर नहीं है और यक्ष की कैसी हैं बेटा करली हेयर है जो वाइट रबर बैंड से बंधे हैं टाइट है ठीक है ए ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ऑफ पर्ल इज अपियरिंग अराउंड हर थ्रॉट सी इज कवरिंग हर ब्रेस्ट विद ए पिंक कलर्ड क्लोथ एंड ब्लो द लियॉन इज वियरिंग ए इस्ट्रियस येलो क्लोथ विद हिज विद विच हैव बीन शोन क्रम इन्होंने नेकलेस पहना हुआ है जो कि इनका भी नेकलेस कैसे है पर्ल का है ठीक है लोअर इन्होंने एक लहंगा टाइप पहना हुआ है येलो कलर का और इनके ब्रेस्ट जो कवर हैं वो पिंक कलर के ब्लाउज से हैं ओके ऑन हर लेग्स आर एंक्लेट एज ज्वेलरी एंड इन द बोथ ऑफ द हैंड शी हैजलेट्स जो इनके लेग हैं इन्होंने इसमें पायल पहनी हुई है और जो हाथ हैं यक्षिणी के उन्होंने इसमें क्या पहना हुआ बाजूबंद और चूड़ियाँ पहनी हुई है ठीक है द फीलिंग्स ऑफ लव इन आइज एंड स्माइल ऑन लिप्स इज शीन ऑब्वियसली जो यक्षिणी है इस पिक्चर को देखो बेटा इसमें क्या है आपका जो फेस एक्सप्रेशन हैं वो कैसे हैं फुल ऑफ लव मतलब एक होता नहीं है थोड़ी सी शर्माहट शर्मा रही हैं ये एक हल्की सी स्माइल है फेस पर ना आइज हल्की झुकी हुई हैं मतलब पूरा जो फेस है इनका लग रहा है कि ये पूरे प्यार में है यक्षिणी। द कलर ऑफ द स्काई हैज़ बीन शोन ब्लू इन अपर साइड एंड डाउन नियर द क्लाउड्स बिकमिंग लाइट जो स्काई का कलर है वो डार्क है ठीक है ब्लू है अपर साइड में और नीचे कैसा होता जा रहा है लाइट कलर का देखो यहाँ पे जो क्लाउड्स बनी हैं वो यहाँ डार्क है और यहाँ जो क्लाउड्स हैं वो उनका कलर कैसे है लाइट कलर

क्लाउड्स से ऊपर होते हैं क्लाउड्स के नीचे फोर वाइट कलर के वर्ड शो हो रहे हैं उड़ते हुए ठीक है ये जो पूरी पेंटिंग है किस में बनी है आपकी वॉश टेक्निक में बनी है बंगाल स्टाइल की पेंटिंग है मॉडर्न पीरियड की ठीक है ये जो सीरीज चल भले ही ये पेंटिंग आपकी मॉडर्न पीरियड की हो बट किस सीरीज में आती है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में ओके दैट्स इट स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब Okay, thank you. Have a nice day. So, stay tuned, subscribe, and share my channel. God bless you, Vita.